अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो अगर आपने उमर भाई की ब्लॉगिंग को नहीं किया ज्वाइन तो करो ज्वाइन। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आज का ये सीन है कि आज हम चलेंगे सदर बाजार रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में। पहले करो सब्सक्राइब तो फिर चलेंगे आगे। तो आज हम ट्राई करेंगे रावलपिंडी फूड स्ट्रीट का चिकन सूप, जो बहुत ही फेमस है और मशहूर है। कि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो चलो ये भी ट्राई करेंगे। उससे पहले हम सारी मार्केट का रिव्यू करेंगे और सब देखेंगे इधर किस तरह की, यानी कि कपड़े वगैरह और ये चीज़ें। इस टाइम हम मैं रावलपिंडी का सदर बाजार में देख सकते हैं, काफ़ी यानी कि रात को माहौलत है, सुबह टाइम तो बंद ही होती है चीज़। ये देखें ये है 50% ऑफ। मजीद जीन्स भी हैं, पैंटे भी हैं, शर्ट, और ये 50% ऑफ है पैंट्स हैं। तो सदर बाजार में कपड़ों गारमेंट्स के अलावा और भी शॉप्स हैं। देखिए गेमिंग की शॉप्स हैं, अब अगर आप गेमर हैं तो आप यहाँ से ज़रूर चीज़ें खरीदेंगे। देखिए हेडफोन, वीडियो गेम्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सामने है अजन्नत माल, हमारी तरफ तो हाल होते हैं शादी हाल। तो काफ़ी लाइटिंग है, काफ़ी खूबसूरती है इधर पिंडी की। और एक ड्राई फ्रूट की शॉप मिली है तो शॉप में जाते हैं और विजिट करते हैं इनके पास क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है। तो आपके पास कौन कौन से ड्राई फ्रूट हैं, आप मंगवाते हैं कहाँ से हैं। मुख्तलिफ जगह से, किस किन किन जगह से मंगवाते हैं। कश्मीर से ज़्यादातर, जी भाई कह रहे हैं गिलगित और अफगानिस्तान से ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट मंगवाते हैं। तो भाई आपकी शॉप का क्या नाम है। गिलगित पाकिस्तान ड्राई फ्रूट। अगर आप सदर आते हैं तो इधर ज़रूर आइएगा, ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा आएंगे। देखिए चलो, ये 955 की सेल लगी है। देखा ये देख सकते हैं, काफी रश है इधर। टाइम सारा लगा हुआ है, आगे चलते हैं। ये जी आप इधर एंटर हो रहे हैं, आप आगे। तो इधर इंग्लिश फूड की शॉप भी है। इंग्लिश फूड यार कभी इतना नहीं था। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। ब्रांडेड चीज़ों के अलावा इधर आम आम के लिए भी है, फूड स्ट्रीट है। ये देखिए टी शर्ट्स, कैप है। अब हम ये सदर की फूड स्ट्रीट के अंदर हैं। देखिए इधर काफ़ी होटल हैं, ये देखिए बैठने की भी काफ़ी जगह हैं। ये है हॉट स्पाइसी, मलहिस, चिली रोल, ये जी कमालिया, खद्दर हाउस, और सॉरी यार सवेरे में। तो इधर आप आएँ और साथ शॉपिंग भी करें और साथ खाएं भी हैं भी स्कूल से, ये लग रहे हैं। इधर चलते हैं चिली होट पे।
तो अब हम पहुँच गए ये रहमान स्पेशल चिकन सूप, पी के आपको रिव्यू देते हैं किस तरह का ये भी सदर में है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे भी बना के दे जरा 120 वाला। सादा बनाए जरा। उमर मलिक, आपका सादा अंडे वाला सादा बनाए जरा। इसमें अब क्या क्या चीज़ें डालते हैं? इसमें सिरका, सोया सॉस, रेड चिली, रेड चिली और क्या ऐड करते हैं? नमक होता है, उसमें नमक भी ऐड करते हैं। आपका सादा है ना? जी मेरा सादा है। तो फाइनली हमारा चिकन सूप तैयार हो गया, तो इसको यानी कि टेस्ट करके बताते हैं ये है किस तरह का। चलो आप बैठे हैं सीटों पे। ये सीटिंग की काफ़ी जगह हैं, तो मैं उधर लास्ट में बैठता हूँ। तो अब इसको हम करने लगे हैं टेस्ट। आहा हा, बड़ा मज़े का लग रहा है। तो अब फाइनली इसको मैं करने लगा हूँ टेस्ट। मज़ेदार, मज़ेदार चिकन सूप पीने का मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है। दो चम्मच यानी कि सूप पिया और उसके बाद जैसे जैसे में आग लग जाती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। हाय 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 हाय, अगर आप हैं इधर रावलपिंडी में और सर्दियाँ भी हैं तो इधर लाजमी आए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा काफ़ी मज़ा आएगा और साथ फूड स्ट्रीट का अपना माहौल है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, तो सारा इंजॉय करेंगे आप। प्यारी समझ गई। स्कूप वालों की आइसक्रीम अंदर काफ़ी रश लगा है, लगा हुआ है, और अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो यहाँ आए। और इधर है शनवारी रेस्टोरेंट, ये देखिए कढ़ाई बकरा दुम्बा हर चीज़ इधर अवेलेबल है। ऐसे रावलपिंडी की स्ट्रीट में काफ़ी कुछ खाने के लिए है, तो बड़ा ही मज़ा आया आइसक्रीम खाने के बाद और ये जो था सूप पीने के बाद। हाँ हाँ हाँ, चाहिए। अब चलते हैं यार, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो और मेरा वॉच टाइम पूरा करो। अगर आप हैं इधर रावलपिंडी में और सर्दियाँ भी हैं तो इधर लाजमी आएँ, काफ़ी मज़ा आएगा। और साथ फूड स्ट्रीट का अपना माहौल है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, तो सारा इंजॉय करेंगे आप। अगर अभी तक आपने मेरी ब्लॉगिंग को नहीं किया ज्वाइन तो करो ज्वाइन। अब मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में।